दोस्तों फिल्म सिकंदर में सलमान खान के एक्शन सीक्वेंस को लेकर आ चुकी है बड़ी अपडेट। जी हां दोस्तों, सलमान खान और एआर मुर्गोदोस की एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म सिकंदर को लेकर लगातार जिस तरह से अपडेट सामने आ रहे हैं उससे फैंस का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। और इसी बीच हाल ही में ये खबर आई है कि फिल्म में सलमान खान डबल रोल में नजर आएंगे और फिल्म का एक खास एक्शन सिक्वेंस 22 अगस्त से शुरू होगा। जी हाँ, आपको बता दे दोस्तों कि इस एक खास एक्शन सीक्वेंस के लिए करीब 1000 पिस्तौल और गोलियां मंगवाई गई हैं। ये रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि फिल्म सिकंदर में सलमान खान डबल रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जहां पहले रोल में सलमान खान एक बिजनेसमैन की भूमिका निभाएंगे जो समाज में अपने अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरे रोल में सलमान खान दबंग वाली भूमिका में होंगे। जी हाँ, आपको बता दे दोस्तों की फिल्म सिकंदर की तैयारियाँ जमकर की जा रही हैं, क्योंकि फिल्म सिकंदर के एक्शन सीक्वेंस रोमांच को भरपूर बनाने के लिए करीब 1000 गोलियां और पिस्टल मंगवाए गए हैं। क्योंकि मिडे के रिपोर्ट के मुताबिक इस हाई अटैक सीक्वेंस को 40 दिनों के शेड्यूल में शूट किया जाएगा। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म निर्माता लीड एक्टर को एक अच्छे शख्स की भूमिका में दिखाते हुए हाई एक्शन सीक्वेंस के साथ दर्शकों को लुभाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हाल ही में पहले शेड्यूल के दौरान सलमान खान ने एक पर्सनल चार्टर्ड प्लेन में विलन के बेटे के साथ जमकर फाइट सीन को फिल्माया है और अब इस हाई एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग 22 अगस्त से शुरू की जाएगी। खैर, बात करें इस फिल्म की रिलीज के बारे में तो दोस्तों सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सिकंदर ईद 2025 के मौके पे रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों आप सब कितने एक्साइटेड हैं सलमान खान की फिल्म सिकंदर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।